हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑर्थो सेंटर की एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रॉपर्टी ये कहता है, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू एनी साइड लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। मीन्स क्या लिखा हुआ है, सपोज हमारे पास में कोई भी एक ट्रायंगल है, लेट दिस इज ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने सपोज यहाँ से एक लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ किया और ये इसे परपेंडिकुलर है मान लेते हैं, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर H होगा, ऑर्थो सेंटर ऑब्वियसली तो कहाँ लाई करेगा, एल्टीट्यूड पे लाई करेगा, तो इसका ऑर्थो सेंटर का जो मिरर इमेज आ रहा होगा वो कहाँ लाई करेगा, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा H', अगर मैं ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज लूँ तो। ठीक, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, वो अलग से क्लियर है ना, ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का अगर आप मिरर इमेज लेते हो विथ रेस्पेक्ट टू एनी साइड, इस साइड के रेफरेंस में लूँगा मिरर इमेज, या फिर इस वाली साइड के रेफरेंस में मिरर इमेज लिया जाए, या फिर इस वाली साइड के रेफरेंस में मिरर इमेज लिया जाए, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, सर्कम सर्कल पर लाई करता है। अब इसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करने का तरीका सोचिए, कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे, प्रूफ कर सकते हैं कि ठीक है, मैं एक काम ही करता हूँ कि इस वर्टेक्स बी को ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन करता हूँ। ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन किया, ठीक है, इस वर्टेक्स बी को यहाँ पर H' इससे ज्वाइन करते हैं, ठीक, इस वाले पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूँ डी पॉइंट, ठीक। अब मैं किसी भी तरह से अगर आपको ये प्रूफ कर दूँ कि अगर ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप कंसिडर करें, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल हमारे पास में ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इस दोनों ट्राइंगल्स में आप खास बात देखो कि ये एंगल तो 90 डिग्री आ रहा है, इसके अंदर भी यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री आ रहा है। ये वाली साइड की अगर बात करूँ तो ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में कैसे आ रही है, कॉमन आ रही है। अगर किसी भी तरह से अगर हमसे ये प्रूफ कर दें कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अगर इक्वल इक्वल आ गया, तो इट मीन कि दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और दोनों ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है कैसे आ जाएगी, इक्वल इक्वल आ जाएगी हमारे पास में। और वैसे तो बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री है, तो अगर ये लेंथ अगर इक्वल इक्वल होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की तरह लिखा हुआ है, तो ये इतना इक्वल आ गया, यहाँ 90 है, तो क्या जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा। मिरर इमेज का कंसेप्ट ही क्या होता है, कोई भी अगर पॉइंट यहाँ पर है, अगर इसका मिरर इमेज निकालूंगा तो कुछ ऐसे जाएगा मिरर इमेज, मान लो P' यहाँ कहीं आ गया और यहाँ ये एंगल कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री हो रहा होगा, ठीक। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट हम जान ही गए। तो अब क्या है कि किसी भी तरह से अगर ये प्रूफ हो जाए कि इतना लेंथ और ये लेंथ हमारे पास में इक्वल इक्वल आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज क्या होगा, H' होगा। और H' कहाँ लाई कर रहा है हमारे पास, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC पे लाई कर रहा है, ठीक। अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो कि ये एंगल तो 90 डिग्री लिखा हुआ है हमारे पास में, यहाँ एंगल C है, ठीक। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूँ तो यहाँ 90 है, यहाँ C लिखा हुआ है, तो ये एंगल हमारे पास में कितना हो जाएगा, 90-C हो जाएगा, ठीक। अगर इस वाले पॉइंट को मैंने एक और आगे ऐसे कुछ आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, अब इससे आता है कि जो वर्टेक्स बी से जो लाइन पास कर रही है हमारे पास, ऑर्थो सेंटर से पास कर रही है, तो ये भी क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, ठीक। अब यहाँ पे कितना है इस आर्क, अब इस वाले आर्क को मैं फोकस करता हूँ, ये जो आर्क लिखा हुआ है SC आर्क, ये क्या कर रहा है हमारे पास वर्टेक्स पे 90-C एंगल, सॉरी यहाँ पर 90-C एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यही सेम जो आर्क है, तो यहाँ पर अगर आप देखो इस वाले पार्ट में आप जाओ तो यहाँ पे भी कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, सेम आर्क अगर जाए हमारे पास में, तो यहाँ 90-C एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यही सेम आर्क क्या करेगा, सर्कमफेरेंस पर सेम एंगल सब्सटेंड करेगा, तो यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा, 90-C, तो ये एंगल हमारे पास में कैसा हो गया, 90-C हो गया। एक और चीज़, अगर मैं इस वाले यहाँ तक इतना आ गया, इस वाले मैं ट्राइंगल को कंसिडर करता हूँ, तो आपने ध्यान से देखा कि भाई ये एंगल 90 है, ये एंगल C है, तो ये एंगल तो हो गया 90-C, ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल को कंसिडर करता हूँ, ठीक, ये एंगल 90-C हो गया, ये एंगल अपना 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल हमारे पास में कितना होगा, अगर हम इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल होगा हमारे पास में C, और क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक। यहाँ एंगल कैसा है, 90 है, तो ये एंगल C है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल हमारे पास में कितना हो जाएगा, इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हो गया अपना 90-C, ठीक। तो
अब ध्यान से देखो कि हमारे पास में क्या होगा कि ये एंगल, इन दोनों ट्राइंगल को अगर फोकस करूँ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल इक्वल आ गए, ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गई, और यहाँ पर ये वाला एंगल भी कैसा आ गया, इक्वल आ गया। इट मीन्स कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ कि ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, और ट्राइंगल बी एच डी, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे पास में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है हमारे पास में क्या है, एच डी, ये साइड लेंथ आ गया। इस एंगल के सामने वाली जो साइड लेंथ है वो कितना है, डी एच डैश, तो ये दोनों कैसे आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे, ठीक। तो हमारे पास में ये लेंथ इक्वल हो गया, और साथ में ये एंगल कैसा है 90, और साथ में यहाँ भी एंगल कैसा लिखा हुआ 90 लिखा हुआ, तो अगर ये एंगल 90 ये एंगल 90 हो गया और दोनों लेंथ इक्वल आ गई, इट मीन कि आई कैन से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर का जो मिरर इमेज है वो क्या आ गया, एच डैश आ गया, और कहाँ लाई कर रहा है, वो सर्कम सर्कल पे लाई कर रहा है। ओके, दैट्स ऑल।